बिना पवन के इतिहास से बात उस समय की, जिस समय राजा पवन युद्ध में होते हैं, रात को चकवार चकवी प्यार भरी आवाज सुनाई देती है तो दुख में भर जाते हैं राजा पवन और सोचने लगे कि तू तो अंजना को छोड़ के चला, किस तरीके से दुख में भर जाते और क्या सोचने लगते हैं। बारह साल हुए अंगना ने फेटर ने जिकर गया, फेटर ने जिकर गया, चकवा चकवी सुने बोलते धन भूप का फिर गया। बारह साल हुए अंगना से फेटर ने जिकर गया, फेटर ने जिकर गया, भैया धीरा विरह की चकवी मेरे गात में फूके, चकवे बिन चकवी सुनी न्यू अंजना का दिल दुखे, अंजना का दिल दुखे, भई काची कली खड़ी बात में दिन मारी के सुखे, दौड़ा माना बांस हाथ में खड़ी महल में फूके, खड़ी महल में फूके, मलमल के से ढकरी होगी तन अंजना, ढकरी होगी तन अंजना, तीज त्योहार पति बिन सुने मारे बैठी मन अंजना, महला के मैं दुखियारी भाई इकली मेरे बिन अंजना, इकली मेरे बिन अंजना, न्यू कहेंगे भाई कैसी कोड़ करी से, कैसी कोड़ करी से, अंजना का न दो सरती भर सारी खता मेरी से, धर्मराज के जे चल है मुकदमा अंजना हुर बरी से, अंजना हुर बरी से,
सी बात के ऊपर कर दी काल कामणी, कर दी काल कामणी। भर्ती होने ते पहले इसने पहरे सूट जामणी, दो हाड्या का ढेर करा फिर कट्ठी करी लामणी, कट्ठी करी लामणी। Yeah।